लेट अस लर्न हाउ टू मेक ए कैलाइडोस्कोप। कैसे बनाते हैं कैलाइडोस्कोप, इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी एक प्रैक्टिस है, आप घर में भी कैसे बना सकते हैं, तो लेट्स सी। तो हमें क्या चाहिए, इस तरह से थ्री रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। ये प्लेन मिरर की स्ट्रिप्स हैं, किसी भी साइज की आपको चल सकती है, लेकिन जितनी बढ़िया हो, जिसके अंदर क्या हो जाए, मटेरियल आसानी से मूव कर जाए, हम उसको प्रेफर करेंगे। हमें चाहिए थ्री रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स प्लेन मिरर की। ये किसी भी साइज की हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी हो कि इसके अंदर हम अपना सामान, जो भी बीड्स हैं, वो आसानी से मूव कर सके। तो ये रही थ्री रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। हमें एक चाहिए ब्लेड कटिंग करने के लिए, एक सीजर, थोड़ी सी बीड्स। ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास ये क्या हो, थोड़ा डिफरेंट कलर्स की हो, या टूटी हुई चूड़ियाँ, जो भी आपको घर से अवेलेबल है वो चीज़ ले सकते हैं। एक सेलो टेप और कार्डबोर्ड का टुकड़ा, गत्ते का कोई भी टुकड़ा, ये सामान हमें चाहिए। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें ये जो तीन हमारे पास स्ट्रिप्स हैं, इन स्ट्रिप्स को इस तरह से अरेंज करना है, एक नीचे रखने के बाद दो इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देनी है, ताकि ये क्या बन जाए, इट लुक लाइक ए प्रिज्म, जैसी शेप आ जाए इसके अंदर, प्रिज्म जैसी शेप आ जाए। जब इसके अंदर प्रिज्म जैसी शेप आ जाएगी, आप एक किनारे से देखेंगे, अभी इसको फिट करूंगा मैं, तो आपको इस तरह से दिखाई देगी, राइट। तो हमने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है, तो ये हमारे पास प्रिज्म की शीट बन गई। अभी भी आप इसके अंदर देखेंगे, आपको देखो कितने ज्यादा जो नीचे बर्ड लिखे हुए हैं वो कितने ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इसको सेलो टेप से करेंगे पैक, तब तक देखते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेलो टेप से एक ट्यूब की फॉर्म में ज्वाइंट कर लेंगे, तो ये तैयार होगी हमारी। अब दोनों साइड कैसे बंद करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्डबोर्ड के पीसेस। कार्डबोर्ड काटने के लिए इस तरह से निशान लगा लीजिए आप, दोनों ही साइड से आपने कार्डबोर्ड के पीस निकालने। एक तरफ कार्डबोर्ड में जो पीस निकाला है, इसमें छोटा सा छेद करना है, जिधर से हमने आंख लगानी है बाद में, इधर से हम आंख लगा के देखेंगे। दूसरी साइड से लाइट आती रहे, उसमें थोड़ा सा बड़ा छेद करके उसमें हमको ट्रांसल्यूसेंट चीज लगा देंगे। ट्रांसल्यूसेंट समझते हैं, पारभासी। हो सकता है आपके पास कोई कागज हो, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल हो जाए। ये एक साइड का लगभग बंद करने के लिए मटेरियल तैयार किया मैंने, ये हो गया। अगेन फिर वही सिस्टम, कुछ नहीं है, गम नहीं है, तो क्या कीजिए, सेलो टेप इज बेस्ट। सेलो टेप से इसको फिर से क्या कर दीजिए, सील कर दीजिए। हमारा मेन मकसद तो क्या है कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर ना आए और अंदर लिमिटेड लाइट जाए, जिसको हम फिर एंजॉय कर सकें। तो एक साइड सील हो गई है, अब एक तरफ से हमने इसको बंद कर दिया सेलो टेप से सारा, और दूसरी तरफ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर वीड डाल देंगे। आपको अभी भी देखिए कितने अच्छे, देखिए कितने वीड डाले मैंने, सिर्फ गिन के डाल रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अंदर देखिएगा कितने दिख रहे हैं, दिस इज ऑल, क्या है ये तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, और यही डिज़ाइन बनेंगे। अब आप उसको परमानेंट बनाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्या कर दीजिए, एक सेलो टेप का पीस इस तरह से चिपका दीजिए। जब ये सेलो टेप का पीस लग जाएगा, तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन जो नहीं है मटेरियल, हम उसके सिवा भी जो हमारे पास है, हम उससे भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास ये अब मटेरियल रेडी हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पे थर्ड आई लगा रहे हैं, और आप अब डिजाइन देखिएगा इसके बाद कैसे बदलते हैं। देखिए बदलने को डिजाइन, देखिए कुछ चेंज हो गया। एक बीड भी इधर से उधर होने से कितने डिजाइन में फर्क पड़ रहा है। आप भी घर में इस तरह से एक सिंपल सा कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है। हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं था मेन, जो भी था टूटा फूटा सामान था, उससे आप बना सकते हैं, और इसके बारे में
इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं कि लिखना कैसे है इसके बारे में। अगर क्वेश्चन आ जाता हाउ टू मेक द क्लाइडोस्कोप, तो लेट अस सी। तो कैसे लिख सकते हैं क्लाइडोस्कोप वंडरफुल यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज आप लिखेंगे आसानी रहेगी। तो क्लाइडोस्कोप कंटेन थ्री प्लेन मिरर्स ज्वाइंटेड इन ट्रायंगुलर फॉर्म मेक 60 डिग्री एंगल विद ईच अदर। हमने तीन प्लेन मिरर लिए और उनको एक दूसरे से जोड़ा, एक कैसा बन गया, ट्रायंगुलर फॉर्म, प्रिज्म फॉर्म बन गई और उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल था। तो कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप रहा टेक थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप। हमने तीन स्ट्रिप्स लिए। नंबर टू, ज्वाइन देम टुगेदर इन अ प्रिज्म और ट्रायंगुलर फॉर्म। फिर हमने उनको प्रिज्म या ट्रायंगुलर फॉर्म में ज्वाइंट कर दिया। फिर नंबर थ्री पे फिक्स देम इन अ पाइप और कार्डबोर्ड शीट। अब ये परमानेंट रहे, ज़्यादा सॉलिड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा कि आप इसको किसी पाइप या कार्डबोर्ड शीट में बंद कर दीजिए। अभी आपको हम इसके बाद आपको पाइप वाला भी दिखाते हैं। देन क्लोज वन एंड ऑफ दिस ट्यूब ऑफ कार्डबोर्ड शीट। एक तो क्या कर दिया हमने, एक साइड से विद कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग ए होल इन इट। एक तरफ तो हमने क्या कर दिया, कार्डबोर्ड की शीट लगाई और उसमें होल रख दिया ताकि वहां पे हम आंख से देख सकें। फ्रॉम अदर साइड प्लेस बैंगल पीसेस और प्लास्टिक कलर्ड स्मॉल पीसेज इन इट। फिर उसके बीच में हमने क्या रख दिया, प्लास्टिक के कलर्ड स्मॉल पीसेज के अंदर रख दिया, आप चूड़ियां भी डाल सकते हैं। देन क्लोज दिस हैंड विद प्लेन ग्लास। हम किसी प्लेन ग्लास से बंद कर सकते थे, ट्रांसल्यूसेंट से बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। तो दीज आर द सिक्स स्टेप्स टू राइट अबाउट द क्लाइडोस्कोप। तो आपको बना के दिखा दिया, वर्डिंग लिखने को बता दी। आई होप ये एट्थ का क्वेश्चन भी है हाउ टू प्रिपेयर द क्लाइडोस्कोप, तो आप उस क्वेश्चन को यहीं से कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज क्लाइडोस्कोप एंड दिस इज द मेथड दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ क्लाइडोस्कोप। We have to require. We require three rectangular plane mirrors of equal size, joined to form a prism at 60 degree angle. And let's see what is in it. This is a cap on one side, and we used to see from here. And let us see from other side. In the other side, there are the three plane mirrors. These are the three plane mirrors. They are fixed in the form of prism at the 60 degree. And these are the colored material that is kept in it. After that, we insert all this in and use this to cover this side. Let's see. This is a translucent glass, and in the last, we will cover it with the translucent glass. And now we will cap it in this way. Now our kaleidoscope is ready. We can rotate it and see the different color structures in it. From here, you can enjoy the patterns of like this.